नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि कई बार ऐसा होता है कि कपल, लड़का और लड़की दोनों साथ में होते हैं, सीरियस लव अफेयर में होते हैं, लेकिन बाद में किसी वजह से रिश्ता टूट जाता है और उसके बाद से लड़की को काफ़ी आघात लगता है और वो रेप वगैरह का केस करती हैं। कई बार इस मामले में सच्चाई भी होती है कि लड़का शुरू से ही चीट कर रहा था और कई बार केवल अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए एक झूठा FIR लिखवा दिया जाता है। इसी मामले पे कर्नाटक हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो बहुत बड़ा नज़ीर साबित होगा कि अगर किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने आपको फंसाया है तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने 5 साल के यौन संबंध के बाद अपने अलग रह रहे प्रेमी पर बलात्कार और विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के मामले पर सुनवाई की और इस दौरान हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि प्रेमिका ने शादी करने के वादे की वजह से संबंध बनाए, लेकिन बाद में आरोपी उससे अलग हो गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने के मामले में युवक पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। महिला ने आरोप लगाया था कि युवक ने शादी का वादा कर युवक ने उसके साथ 5 साल तक शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन बाद में वह अलग हो गया। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल तक शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाए, ये आरोप था युवक के ऊपर, जिस पर हाई कोर्ट ने यही जो समय सीमा है 5 साल की, उस पर संज्ञान लिया और न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने फैसले में कहा कि इस मामले में सहमति एक बार नहीं, दो बार, तीन बार या दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि सालों के लिए, पूरे 5 साल के लिए ली गई। बेंच ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि एक महिला से 5 साल तक बिना उसकी मर्जी से युवक रिलेशन बनाता रहा, इतने लंबे समय तक किसी रिश्ते में रहना, इस दौरान दोनों के बीच बने रिश्ते के चलते इसे 375 IPC का जो सेक्शन है रेप के लिए, 376 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। यानी आप 375 में रेप नहीं बोल सकते और 376 के तहत आप इसमें सजा नहीं दे सकते। IPC की धारा 375 महिला की सहमति के खिलाफ अगर आप यौन संबंध बनाते हैं तो उसको बलात्कार मानती है और 376 के तहत सजा का प्रावधान किया जाता है। तो अब मैं आपको पूरा मामला भी बता देता हूं। मामला क्या था? बेंगलोर के रहने वाले एक युवक पर उसकी पूर्व प्रेमिका ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया, यानी FIR कराया था कि उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ यौन संबंध बनाए और यह बलात्कार के श्रेणी में आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दीवानी और सत्र न्यायालय में इसके खिलाफ ट्रायल हुआ, जिसके खिलाफ युवक ने हाई कोर्ट में अपील की। युवक के अनुसार वह और शिकायतकर्ता 5 साल से प्यार में थे, शादी करना चाहते थे, लेकिन जातिगत अंतर के कारण ऐसा नहीं हो सका। हालांकि इस मामले में युवक पूरी तरह से बरी नहीं हो गया। हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच केवल वित्तीय लेन देन IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक धोखाधड़ी का मामला नहीं बनेगा, यानी 406 के तहत जो IPC में आपराधिक धोखाधड़ी के लिए लिखा है तो वो मामला नहीं बनता है, क्रिमिनल मैटर नहीं बनता है। हालांकि सिविल तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस व्यक्ति को धारा 323 यानी गंभीर हमला करना, 506 यानी आपराधिक धमकी देना के तहत मुकदमे को सामना करना पड़ेगा और इसमें उसको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिला। तो जब कभी भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई ब्रेकअप हो जाता है और गर्लफ्रेंड को FIR करवाना ही है, तो सही सलाह लेकर के सही तरीके से आपको FIR करवाना चाहिए। जो वाकई में अपराध हुआ है उसके लिए FIR करवाना चाहिए, ताकि अगर आप एक दो झूठा सेक्शन लगवा देंगे तो संभव है कि आपका पूरा केस ही वीक हो जाए। तो जब कभी भी आपको ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़े तो आपको पहले लीगल सलाह लेना चाहिए, लीगल एडवाइस लेना चाहिए। और किसी भी तरह की मदद के लिए आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं या हमें 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ भी अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करना है तो ईमेल कीजिए subhas@leadindia.law पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।